हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बायोलॉजी टॉपिक का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मैच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको लिस्ट वन दी गई है, लिस्ट टू दी गई है, आपको जो है वो मैच करने हैं एंड फिर आपको नीचे जाके करेक्ट कॉम्बिनेशंस में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि प्रोटीन, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, ये तो बायो मॉलिक्यूल्स की लिस्ट दी गई है और सेकंड में उनके अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनकी लिस्ट दी गई है। तो अगर मैं देखूं कि सी सी डबल बॉन्ड किसके अंदर पाए जाते हैं, तो मुझे पता है कि पॉलीसेक्राइड्स के अंदर सी सी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मैं एक बार सोच रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। और उससे भी पहले आई एम वेरी डैम श्योर कि प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो ए का फोर्थ आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ए का फोर्थ जो है वो इन दोनों ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ एक और जो है वो मैच करना है। और मुझे पता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो सी का सेकंड आना चाहिए और सी का सेकंड जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो गाइज, ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।